देख रहे हैं उस्ताद, मैं आप बड़ी मुश्किल से आपके पास आया हूँ, आपका डैश ढूंढा है और किसी तरह भाई मुझे पास तो ढूंढ के दे दें उसके प्रियस के। देखिए प्रियस के अभी फ़िलहाल की करीब पार्ट्स तो मुश्किल ही हैं, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि पीछे से आना बंद हो गया ना। अब ऐसे तो ना करें ना, बड़ी उम्मीदों से आया हूँ, लोग कहते हैं कि आप पता नहीं पुरानी से पुरानी गाड़ी के भी पार्ट्स ढूंढ के दे देते हैं। देखिए वो मैं बिल्कुल बिल्कुल लोग सही कहते हैं, लेकिन अब मैं क्या कह सकता हूँ, जब जिस बंदे से मैं मंगवा। देखिए उस्ताद जी, मैं बड़ी मुश्किल से आपके पास आया हूँ, मुझे प्रियस के पार्ट्स चाहिए थे, उसका फ्रंट बम्पर पैक वाला, उसकी लाइटें शाइटें, मुझे ना हाई एंड की ना मॉडिफिकेशन चाहिए उसके अंदर, हाई एंड वाली, यानी कि पूरे लॉस सैंटोस में ना उस टाइप की गाड़ी किसी ने ना बनाई हो। देखिए मुश्किल ही है बच्चे, देखो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि तुम मेरे पास आए हो, लेकिन अब उसके पार्ट्स आना बंद हो गए। देखिए कोई ना कोई तो जुगाड़ कर देना। मुश्किल ही है क्योंकि उस गाड़ी के पार्ट्स आना ही बंद हो गए पीछे से, अगर पीछे से थोड़े बहुत ही आ रहे होते ना तो फिर मैं मंगवा लेता। और बच्चे जिस टाइप की तू कह रहे ना मॉडिफिकेशन, वो तो मुश्किल ही है मेरे ख्याल से, जिस टाइप की तू डिमांड कर रहे हो। देखें वैसे मुश्किल काम तो कोई भी नहीं है, हो सकता है प्रियस की आप अगर चाहें तो आप खुद भी बॉडी बना सकते हैं उसकी। उसमें बच्चे यार मुश्किल है बच्चे, मैं ऐसे आपको ना कह दूं कि मैं बना दूं, लेकिन फिर बाद में वो वैसी बॉडी ना बने। नहीं 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 आप देख लें, अगर आपको लगता है कोई आप बना सकते हैं प्रियस की बॉडी, मुझे हाई एंड एक्सट्रीम गाड़ी चाहिए, यानी कि मुझे ऐसी गाड़ी बना कर दें प्रियस की, यानी कि जो लॉस सैंटोस में किसी ने ना बनाई हो। चलिए देखते हैं, मैं देखता हूँ कोई जुगाड़ करता हूँ। देख लीजिएगा, कुछ कर लीजिएगा, आपके ऊपर ही उम्मीद है मुझे, यानी कि मैं वो गाड़ी बना के ही लोगों को घेरना है मैंने। अच्छा अच्छा, क्या वर्कशॉप है तुम्हारा? जी जी मेरा वर्कशॉप है, इधर ही पास करके मैंने बनाया। तो एक्चुअली मैंने जो वर्कशॉप बनाया ना, वो मॉडिफिकेशन के लिए बनाया, यानी कि मुख्तलिफ पुरानी पुरानी गाड़ियों को लेके आऊँगा, उसे फिर मॉडिफाई करूँगा, इनके लोग जिस टाइप की चाहेंगे ना उस टाइप की मैं गाड़ी को मॉडिफाई करके दूँगा। अच्छा 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 अच्छा, चलिए ठीक है, चलिए मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। देख लीजिएगा, जुगाड़ लगा लीजिएगा, अब तक चक्कर लगाऊँ इस तरह करना के तकरीबन 4-5 घंटे तक चक्कर लगा लो, फिर मैं तुझे बताता हूँ। चलें ठीक है ठीक है, कहाँ पर? इधर ही मिलेंगे। नहीं नहीं मैं तुझे कॉल कर दूंगा, वहाँ पर आ जाइयो। चलें ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो यार इससे तो बात हो ही गई है। ये बंदा भाई ऐसी गाड़ियाँ मॉडिफाई करता है, ऐसी गाड़ियाँ मॉडिफाई करता ना, आपकी सोच यार आप ढंग रह जाएंगे गाइस, यानी कि इस टाइप की ये बंदा गाड़ियाँ मॉडिफाई करता है। तो मुझे काले ने इसका नंबर दिया, काला भी वैसे आजकल कुछ कर रहा है, हराम पहिया कर रहा है, वरना भाई काला तो भाई इससे भी छोड़ देता है पीछे, बहुत लेवल की काला करता है मॉडिफिकेशन। तो अभी काले ने इसके पास भेजा है, काले के पास ना टाइम नहीं था, वो कह रहा था कि इसके पास चले जाओ, वो मॉडिफिकेशन अच्छी कर देगा। बाकी इधर मैं आया था यार कार वॉश करवाने आया था, भाई साहब सुपारी ने भाई फुल हाई एंड गाड़ी भाई मॉडिफाई कर दी है, ये चेक करो मर्सिडीज। हाँ भाई हो गया तेरा? हाँ अबे नहीं नहीं बस एक तो बस मैं साफ सुथरा कर रहा हूँ ना, फिर गाड़ी को चलाना भी है। तो गाइस ये गाड़ी चेक कर सकते हो, पूरी की पूरी भाई गाड़ी जो मॉडिफाई है ना उसका क्रेडिट भाई इसको जाता है, जफर भाई को जाता है। देख रहे हैं जिमी फिर है, कर दी ना मॉडिफिकेशन इसकी अच्छी वाली। हाँ भाई मैं तो हैरान हो गया हूँ। तो भाई ये देखे भाई, उस बंदे ने अपना डिमांड किए थे कि भाई हमें ना मर्सिडीज के अलॉय रिम, यानी कि जर्मन मर्सिडीज के लगे होने चाहिए, ठीक है। तो ये जर्मन मर्सिडीज के अलॉय रिम हमने इंपोर्ट करवाए हैं, ठीक है, ये जापान से इंपोर्ट करवाए हैं स्पेशली। इसका फ्रंट बम्पर भाई साहब ये इसका क्रेडिट इसको जाता है, ये इसने पता नहीं कहाँ से लेके आया है, और ये वैसे कहाँ से तू लेके आया था? देख रहा बेटा ये बस तू छोड़ दे भाई, ये बड़ी मुश्किल से लेके आया था। भाई यार बता दो रे यार, ये 3D प्रिंटर नहीं है? है 3D प्रिंटर? हाँ वो 3D प्रिंटर नहीं जो 3D प्रिंट करता है भाई, उससे बनवाया। लेकिन यार ये तो मटीरियल बड़ा फारीक ही होगा। अबे नहीं नहीं बेटा बड़ा मजबूत बनवाया है, कोई ऐसी वैसी मशीन ही थी। तो यार क्या बात है बेटा, पूरी की पूरी गाड़ी डिज़ाइन उसी से करवाई है 3D प्रिंटर से, ये जो फ्रंट बम्पर शम्पर जो नज़र आ रहे हैं ना, ये सारा कुछ उधर से ही लेके आया हूँ मैं। यार तू तो बड़ा होशियार निकला यार, फिर एक मेरा काम भी कर दे यार तू, अगर तूने वहाँ से करवाया है। हाँ हाँ बोल बोल यार, वो मुझे उसका अपना प्रियस का यार बनवा कर डेट यार 3D प्रिंटर से। हैं प्रियस का क्या उसका चाहिए यार? उसकी मुझे ना हाई एंड एक्सट्रीम गाड़ी चाहिए, मैं तुझे तस्वीर दिखाता हूँ यार। हाँ दिखा दे बेटा, एक बंदा मिला है, मैं कहता हूँ जिस टाइप की तू गाड़ी कहेगा ना उस टाइप की गाड़ी वो करके दे देगा प्रिंट, लेकिन यार लगानी हमने ही है। हाँ चल ठीक है ठीक है, वो तो कोई नहीं लगा लेंगे।
तो गाइस इधर हम आए थे कार वॉश करने के लिए, कार तो वॉश हो गई है, बाकी मैं आप लोगों को एक दफा ना व्यू चेक करवाता हूँ गाड़ी का। तो भाई मैं तो हैरान हो गया हूँ, 3D प्रिंटर से इसका फ्रंट बम्पर शम्पर ये चेक करने, भाई क्या बात है यार, तू जाफर छा गया यार। अबे जाफर नहीं है, जफर जफर ओ सॉरी सॉरी जफर तू छा गया यार। चले हो गए? हाँ हाँ हो गया हो गया बेटा, एक दफ़ा ड्राइव कर तू। हैं अच्छा हाँ एक दफ़ा ड्राइव करके तो देखिए। अभी अभी ना स्टार्ट करी, अबे यार तुझे कह रहा अभी ना स्टार्ट कर, एक सेकंड यार। वाह यार साउंड चेक करा जिमी? हाँ हाँ भाई साउंड माशाल्लाह से यार, एंड काट गया तू। हाँ एक सेकंड बाद मुझे चीज़ें बंद करने दे। हाँ जिमी बेटा कैसी लग रही है? अबे यार पूरी डाउन वाली गाड़ी लग रही है। हाँ ये कस्टमर अभी गया हुआ है किसी सिलसिले में ना, कारोबारी सिलसिले में दुबई गया हुआ है, तो कह लो कि ये बस 2-3 हफ्तों के लिए हमारे पास ही है। अबे यहाँ कर, हाँ हाँ मेरी यानी कि मेरे पास रहेगी ये। अबे वाह यार माशाल्लाह से यार, ठीक है भाई ठीक है। हाँ उसने पैसे ना एडवांस करवा दिए, वो चेक कर ली। अबे एडवांस भी करवा दिए उसने पैसे? हाँ हाँ उसने बेटा सबसे पहले एडवांस करवाए पैसे। भाई यार तू तो यार सही छा गया यार, तू तो कॉलेज को भी पीछे छोड़ दिया है। वैसे लोग यार पैसे इतनी जल्दी जमा करवाते नहीं है, लेकिन यार जबरदस्त। हाँ बेटे बस कस्टमर बना के रखे हुए ना बेटा, अब तू देखी था कैसे कैसे कस्टमर तेरे पास आते हैं। अबे यार यार बड़ी बात है यार, आराम से चलाइए यार, आराम से टर्बो इंजन है इसके अंदर। अबे टर्बो इंजन है? हाँ बेटा आराम से ध्यान से गाड़ी ठोक ना दी, प्यार प्यार से लेके जाएं। अबे यार तू तो छा गया यार, तूने तो वाकई काले को पीछे छोड़ दिया यार। यार काला आजकल पता नहीं कहाँ बिजी जा रहा है, लेकिन भाई अब तुझे पता ही है ना, वैसे उस्ताद तो हमारा काला ही है, लेकिन फिर भी यार थोड़ा खुद भी मेहनत करनी पड़ती है ना। भाई नहीं नहीं भाई तूने तो छा गया भाई, इतनी ज़बरदस्त। अबे अब ध्यान से भाई क्या कर रहा है जिमी? और शोरी शोरी यार वो मुझे दिखा नहीं है। अबे यार इतनी मुश्किल से मॉडिफाई किया तू, भाई ठोक ले इधर, ध्यान से चला, लगता है ड्राइविंग लाइसेंस तेरा सही बना नहीं हुआ। और नहीं नहीं यार बना हुआ यार, वो एक्चुअली मैं तो देख रहा था ना, सुइयाँ देख रहा था यार, सुइयाँ इसकी बड़ी ज़बरदस्त चमक रही हैं बेटा। पूरा का पूरा मीटर बाहर खोल कर उसको साफ किया, तेरी तरह नहीं हो कि भाई नया मीटर लगा दो, इतने पैसे नहीं थे उसके पास। यार मान दो तुझे यार, ये सुइयों को कलर किया? हाँ हाँ सुइयों को कलर किया मैंने, येलो कलर किया है। यार पारी तू तो छा गया, दिल कर चुम्मी ले। अबे अबे दूर है दूर है, चुम्मी लो, रमजान है शर्म कर ले कुछ। और छोरी छोरी यार गाइस इसने तो यार गाड़ी बहुत ज़बरदस्त कर दी है यार, मैं तो सोच रहा हूँ कुछ और गाड़ियाँ पकड़ते हैं। हाँ हाँ गाड़ियाँ पकड़ो यार, मॉडिफाई करेंगे यार। गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ यार जल्दी जल्दी से कौन कौन सी गाड़ियाँ मॉडिफाई करें। तो यार आज तो भाई मैंने ना अपनी गाड़ी मॉडिफाई करवानी है यार, मेरी करवा दे किसी तरह। है कौन सी? प्रियस? हाँ यार प्रियस का करवा दे यार। हाँ करवा देते करवा दे, टेंशन नॉट यार। वैसे एक बड्डे से मैंने बात तो की थी, जो पिछली कलर टी शर्ट में बात कर रहा था, हाँ वो चंदर था तो काले कपड़े जिसे पहने हुए थे, हाँ वही। अबे ऐसे छोड़ बेटा, तुझे मैं ऐसे बंदे के पास लेके जाऊँगा ना, बड़ी जालिम जालिम किस्म की गाड़ियाँ मॉडिफाई कर रहा है आजकल। यार सही है भाई, सही जा रहे टूटो भाई, मेरा बिजनेस सही लेके जाएगा। अबे नहीं यार बिजनेस की बात नहीं है, वैसे एक भाई अब मेरा दिल आ गया ना उसके ऊपर। अबे नहीं नहीं यार जबरदस्त जबरदस्त यार, ये गाड़ी निकली नहीं तेरी? कौन सी? अबे यही गाड़ी? अबे नहीं यार ये गाड़ी निकल नहीं रही, इसको कुछ हल करना पड़ेगा यार, इसको भी निकालना पड़ेगा। अबे निकाल देते बेटा निकाल देते हैं यार, इसको कहाँ पर लगाएं? अंदर तो जगह है नहीं है। अबे भाई लगा दे अभी, वैसे ये मेरे पास ही रहनी है यार। अच्छा अच्छा चलो मैं इसे पीछे लगा लेता हूँ। हाँ ध्यान से लगाई, ठोक ना दी, बड़े प्यार से लगाई इसे। हाँ ठीक है मैं इधर बड़े आराम से लगाऊंगा। एक शुक्र यार, अड़ गई गाड़ी। अबे ध्यान से लगाना, क्या कर रहा है जिमी? अबे यार वो सॉरी यार वो मैं गेट लगाना था यार, मेरी माँ तो इधर ना ही, तू लगा। अबे नहीं नहीं लगा रहे। अबे लग रही है जिमी यार, ऊपर चढ़ गई गाड़ी यार उसका पिछला। अबे यार एक शुक्र यार, गाड़ी फंस गई है। अबे लाना थे जिमी तेरी शक्ल पे, गाड़ी तूने फंसा दी है यार, अब बंदा तुझे क्या कहे। अभी एक सेकंड निकालता हूँ यार, गाड़ी वाकई गाड़ी यहाँ पर फंस गई है जी। पे जिमी यार तुझे अंदर ही भाई लगा दे तो खड़ी कर दे। अच्छा अच्छा यार बेटा खड़ी कर देता यार, यार वैसे अंदर जगह नहीं है। हाँ इधर 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 लगा दे यार, मैं सोच रहा हूँ यार ये वाली जगह भी ना ले लें। कौन सी? ये वाली? हाँ हाँ इधर ही ना ले ले यार। यार ये किसकी अंडर आती है? अबे किसी की अंडर ही आती है, अपने अंडर कर लेते, कब्जा कर लेते, क्या ख्याल है? अबे नहीं 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 बेटा कब्जा नहीं करना बेटा, ऐसी हरकत नहीं करना। अबे कोई नहीं यार इधर, टेंशन तो क्यों ले रहा यार, इधर कर लेते कब्जा भाई, किसी ने कौन सा पूछना है हमसे। लेकिन फिर भी यार नहीं नहीं कब्जा कुब्जा इस टाइप का सीन नहीं हमने करना यार। देखो ना वर्कशॉप में गाड़ी इतनी ज़्यादा आ गई है भाई, मैं तो सोच रहा हूँ यार गाड़ी, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ ये जगह जो है फिर नज़र आ रही है।
इस पर कब्जा ना कर लें यार। अबे नहीं नहीं ओए बेटा कब्जा नहीं करना यार, ग्राउंड है यार, तू पागल है जिमी, पागल हो गया क्या? वैसे गाड़ी खड़ी कर लेते हम, लेकिन कब्जा वाला सीन ना करी। अबे देख लेते यार मुझे भाई बहुत ज़बरदस्त आइडिया आ गया। अबे अपने आइडिया को पास ही रख। नहीं नहीं यार मेरे पास ही बहुत ज़बरदस्त आइडिया आया, मैंने भाई कब्जा कर लेना फिलहाल ही करी ना, इसके ऊपर वो ना रोड बना देना एक छोटा सा, ताकि यार गाड़ियाँ सारी जो है इधर यहाँ तक हमारी आ जाएँ। अबे जिमी ऐसी हरकतें क्यों करता है तू यार? अबे नहीं नहीं यार कुछ नहीं होता यार, यानी कि यहाँ तक मुझे चाहिए जगह, यहाँ तक वैसे ठीक है, हाँ यहाँ तक या अपनी शॉप तक ही हम जगह कर लेते हैं। भाई जिमी तू कैसे पूरा कैसे कर गए, ऊपर नीचे जगह है? और यार वो तू मेरे ऊपर छोड़ दे बेटा, वो मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो थोड़ी सी ऊंची हो जाएगी जगह ठीक है, लेकिन भाई हमारी गाड़ियों के लिए अच्छी बन जाएगी। अबे तू बड़ा वो है रमजान है, तुझे कुछ कह भी नहीं सकता। अबे भाई तू कहीं भी ना यार, पापा कहाँ पर हैं? उनकी गाड़ी तो खड़ी है यार, वो लेके गए हुए ढाला लेके गए हुए कहीं निकले हुए हैं, ढाला लेके कहीं गए हुए? हाँ यार वो बस थोड़ा वकील साहब को मिलने गए थे। हैं वकील को? खैरियत से? हाँ वही शोरूम का जो तुमने भंड डाला हुआ है ना, उसका बस शॉर्ट आउट करने जा रहे हैं भाई, किसी तरह हमें वो मिल जाए। अबे वो पापा तो कह रहे थे कोई नहीं जाने दो। अबे नहीं नहीं भाई वो मॉडिफाई कर रहे हैं कुछ उधर जाके। क्या मॉडिफाई कर रहे हैं भाई? और भाई वो शोरूम के ऊपर कोई एक और चीज़ बना रहे हैं। हैं शोरूम के ऊपर कोई चीज़ बना रहे हैं? हाँ हाँ बेटा शोरूम के ऊपर कोई चीज़ बना रहे हैं, तो माइकल भाई को पता चला है, तो भाई साहब वो पहुँच गए कोर्ट में। और तूने भाई उसे लिख के कुछ दिया था? हैं क्या लिख के? अबे कुछ लिख के दिया था तूने उसे? यार मैंने तो कोई नहीं लिख के दिया था, मैंने तो यही दिया था भाई, रेंट आउट ही है। हाँ तो इसलिए भाई साहब वो ऊपर पता नहीं क्या कुछ बनाई जा रहा है, अब वो दोबारा खड़ी कर ली है उसने। तो माइकल भाई ने देखा अभी जाकर वो सीधा कोर्ट गया है। यार ये तो फिर मुसीबत में फंस गए, वो यानी कि यकीन से बाज नहीं आ रहे। हाँ बेटा वो बाज नहीं आ रहे, वो तो अब तेरे भाई ऊपर फुल तपे हुए थे माइकल भाई। काला भी शॉट ही गया? हाँ हाँ काला भी साथ ही है उनके। अभी यार कस्टमर आए हुए यार, अभी यार कस्टमर को यार टोयोटा कोरोला GLI देनी थी यार, वो काले कहीं जा रहा है मुझे। हैं जेल है यार, वो तो सैंडी शोर खड़ी हुई, उधर से मंगवानी पड़ेगी। अबे यार किसी तरह मंगवा दे यार प्लीज़ यार, तेरा बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँगा। अबे यार चलो मैं फ़ोन करता हूँ, हाँ तब तक मैं संभालता हूँ यार, तू प्लीज़ यार कर दे। हाँ हाँ मैं करता हूँ करता हूँ करता हूँ कुछ यार। सारी भटीके अपने भाप पर डाली जा। अस्सलाम वालेकुम। ओह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह यार, क्या देख लिया मैंने। हेलो हेलो भाई, अबे तेरा भाप बो रहा भाप। हाँ हाँ यार वो गाड़ी खड़ी थी एक GLI यार ब्लैक कलर की। हाँ यार वो तो यार लेके आ जाए इधर, एक कस्टमर को देनी थी यार। यार तुझे पता है ना अपना भाई, जल्दी लेके आ, और रोज़ा होता है इस टाइम भाई, मैं ओए अफ्तारी करवा दूँगा, अफ्तारी करवा दूँगा भाई, रो ना। एक तो 24 घंटे जब भी तुझे फ़ोन कर रोता ही रहता है कसम से, तू ना जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, टाइम नहीं है मेरे पास बेटा। हाँ जल्दी आ। एक तो भाई पता नहीं अजीब ही है यार, रोते ही रहते बंदे बहुत रोते थे, अफ्तारी करवा दो अफ्तारी करवा दो। बाकी यार जिमी की यार ये गाड़ी भी आया, अब निकालते हैं भाई फ़िलहाल की गाड़ी। ऐसे वैसे मैंने मना किया था यार, ये मॉडिफाई वाली महरान ना लो, सिंपल महरान ले लो, मॉडिफाई वाली महरान भाई नहीं बिकती, लेकिन भाई इसे भाई बाज ही नहीं आ रहा था, कह रहा था नहीं नहीं असल में तो काले ने यार पेश करवाइए, काले ने ठुकाइए इसकी। चलो यार अगला प्रोजेक्ट पकड़ते हैं। तो अगला प्रोजेक्ट मेरा ये है, इस डाले को मॉडिफाई करना है मैंने, तो इस डाले को वाइट कलर करना है, यानी कि पहले तो कलर का कह रहा था, लेकिन मैंने कहा कि यार कलर वगैरह ना कराओ इसको, ना सिंपल रैप करवा लो। तो उसने कहा ठीक है यार। तो ये माइकल भाई लेके आए थे इस डाले को भी, अभी फुल मैं करना हैवी वाला डाला बना देना है ठीक है। थोड़ा सा उसने कहा ये ऊंचा बहुत है, थोड़ा सा ड्रॉप भी कर दो। मैंने कहा कोई इशू वाली बात नहीं है भाई, ड्रॉप भी कर देंगे, टेंशन लेनी नहीं बिल्कुल। अरे कसम से यार ये जो जफर सफारी का बच्चा है ना यार, हर समय गेड़ा करवा देते हैं मुझे। इस दफा तो इसके पास जाऊँगा अफ्तारी खा के आऊँगा, नहीं तो भाई ऐसे मैं नहीं आऊँगा आज ना, इसको मैं कहूँगा मुझे अफ्तारी खिलवाएं, फिर ही मैं कुछ करूँगा इसका। लेकिन यार भाई पैसे पूसे देते रहते हैं ना मुझे। हाँ जी चाचा क्या हाल है, ठीक ठाक हो ना? ओ मेरा बेटा ठीक ठाक, तू सुना? चाचा वो गाड़ी खड़ी थी तेरे पास वाइट कलर में GLI? हाँ खड़ी है पीछे ही है। चले ठीक है, वो अंधे को चाहिए थी, वो सेल करनी थी ना आपने? हाँ करनी थी। हाँ बस ठीक है भाई, मैं लेके जा रहा हूँ, चाबी अंदर ही है ना? हाँ अंदर ही है बच्चे। चलो ठीक है, सही लाइफ इन बाबों की है भाई, मस्त माहौलों के बैठे ना, रोज़ा ना कुछ।
ये देखो ये उसकी वाइफ इधर बेचारी बैठी हुई है, और वो देखो अरे ये वाइफ ही है ना उसकी। हाँ वाइफ, अरे ये इतनी सुनते कैसे। अस्सलाम वालेकुम दादी जी। अस्सलाम वालेकुम दादी जी, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आज तो, मेकअप शेकअप किया हुआ है लेकिन गुस्से में लग रही हैं। चलो यार इधर गाड़ी खड़ी क्यों है आज तो भाई, उससे मैं खा के ही आऊँगा इफ्तारी भी सहरी भी। हर दफ़ा मुझे टोपियाँ करवाता है, इस दफ़ा मैं ऐसे कह दिया कि भाई टोपी ना करवाई मुझे। अरे यार गाड़ी की हालत तो ठीक है। अरे चाचा जी ने भाई गाड़ी का पूरा सत्यानाश किया हुआ है, चाहे कह रहे हो भाई पूरी की पूरी गाड़ी गंदी है यार। चलो भाई खुद ही साफ करवाता फिरेगा भाई, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। अबे दरवाज़ा तो इसका ये ऐसे बंद होता है दरवाज़ा। चलो गाड़ी यहाँ से निकालते हैं यार। वैसे इस बड्डे के पास से ना गाड़ी इतनी अच्छी आ कहाँ से गई है, मुझे तो इस चीज़ की हैरानगी हो रही है। बड्डे के पास लगता है पैसा कुछ ज़्यादा ही आ गया, कापी वगैरह पूछ लेता हूँ एक दफ़ा इससे ना। ये ना हो के दोबारा चेक करना लग जाए। तो नहीं ये दादी जी क्यों इतनी अदास बैठी हुई हैं, लगता है बुड्ढे ने कुछ काम किया होगा। चाचा जी मैं मतलब दादा जी। ओ बच्चे। दादा जी कागजात वगैरह हैं कैडी में? है सारा कुछ है इसके अंदर, और सामान निकाल ली मेरा। अरे ठीक है फिर मैं शाम को मिलता हूँ तारीख के बाद। ठीक है ओके। चला जी दादाजी ने दाढ़ी का तो सत्यानाश किया हुआ है। चलो भाई चलते हैं, थोड़े बहुत पैसे ही कमा लेंगे। उसने कहता ना कि भाई मेरा पिछला उधार भी यार कवर कर दे, इसने मेरे से यार 20,000 रुपये लिए थे अभी तक मुझे दिए ही नहीं है। इंटरेस्ट रेट के ऊपर लूँगा भाई 20,000 का ऊपर लूँगा, यानी कि 20 का 40। लेकिन यार रमज़ान चल रहा है ना, रमज़ान में ले नहीं सकता, हराम होता है ना। पता नहीं इंसान रमज़ान में आके इतने शरीफ क्यों हो जाते हैं, वैसे तो इतने शरीफ होते नहीं हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान आता है अरे भाई बच गया। अबे यार ये लोमड़ी भी ना पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती हैं। ये देखो कितने लोमड़ियाँ घूमी जा रहे हैं यार। पेट्रोल, अबे वहाँ यार दादा साहब ने पेट्रोल तो फुल, मैं कहता हूँ टंकी फुल करवाई हुई है यार। वैसे उसके लिए फ्रूट ना ले जाओ, फ्रूट चाटी बना के खा लेंगे, इधर का फ्रूट बहुत अच्छा होता है, सस्ता भी होता है ना और अच्छा भी होता है। शहर में तो भाई फ्रूट काफ़ी महंगा होगा, और मुझे इसकी हरकतों का पता है भाई, इसने मुझे सिंपल वो दही होती है ना और पकौड़े के साथ वो खिला के इसने मुझे कल्टी करवानी है, मुझे पता है इसकी हरकतों का। लेकिन भाई इस दफ़ा मैं छोड़ूंगा नहीं, इसे खा के ही जाऊँगा मैं। चलो यार यहाँ से शॉर्टकट ही ले लेते हैं भाई, जल्दी पहुँच जाएंगे, शाक भी चेक हो जाएंगे ना, गाड़ी भी चेक हो जाएगी, ठीक है ना, और जल्दी भी पहुँच जाऊँगा मैं। एक तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, बंदा क्या करे यार, कुछ ले भी नहीं सकता और ना कुछ दे सकता है यार। मेरी एक बच्ची है यार, रोज़ाना मुझे मैसेज कर रही होती है, वैसे तो आज तो मैंने छोड़ा हुआ है क्योंकि रमज़ान चल रहा है ना, इस वजह से रमज़ान में भाई सारे बुरे काम छोड़ देता हूँ। हाँ कोई भी बुरा काम नहीं। अबे यार अच्छा मैं कहा बाइकर गैंग जा रही है यार, मेरे शॉट कर दिए, मैंने कहा हैं ये तो दूसरे गैंग जा रही हैं। रमज़ान में हर चीज़ ख़त्म भाई, हर चीज़ ख़त्म। हाँ जी हर इंसान रमज़ान में सुधर जाता है, एक ही शैतान ही है बस। वैसे शैतान का नाम भी बदनाम ही किया भाई हम लोगों ने यार, शैतान शैतून कहीं नहीं होता, हम लोग ही बस हैं बस। देख लिए कल तूने हरकतें अब जिम्मी की हैं, फिर तू कहता है जिम्मी को प्यार से समझाया कर। माइकल भाई लेकिन स्टेज शुरू तो ले ही लिया ना अभी, बस स्टे ले लिए आर्जी तौर पे लिया है ना, अब तू देख उन्होंने फिर अब तगड़ा केस बना लेना है, उनके पास सबूत भी है भाई। जिमी साहब ने पढ़ा ही नहीं है उसके ऊपर लिखा क्या हुआ है, ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है, बड़े बड़े हरफों में लिखा हुआ है कि भाई साहब इस शोरूम के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, वो चेंजिंग वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन माइकल भाई अब क्या कर सकते हैं, अभी अब कुछ नहीं कर सकते ना यार, अभी फिलहाल की घड़ी तो स्टे ले लिए। शुक्र है कि वो जज मेरा जानने वाला था, उसने वो केस को इस तरह घुमाया कि बस वो उसके पास जवाब ही नहीं थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो मुझे पता है कि उन्होंने पक्का केस बना के आना है। चले माइकल भाई कुछ ना कुछ हाल नहीं इसका निकालना ही पड़ेगा। अरे भाई पूरा का पूरा नक्शा उन लोगों ने चेंज कर देना है, तो हम इधर फिर देखते रहेंगे। चलें कूल डाउन हो जाएं। रोज़ों में भी ना यार ये कुत्तों वाली इसने करवा दिए, ये शोरूम तो लगता है मेरे हाथ से वैसे ही निकल जाना है। चले माइकल भाई कूल हो जाएं यार, नहीं निकलता अभी, नहीं निकलता, वो अपनी मर्ज़ी करें यार, अभी फिलहाल गेट स्टे ले लिया है मैंने,
फिर उन्होंने तगड़ा केस बना के फिर वो जो उसका जो बॉस अगर वो डायरेक्टर आ गया ना तो भाई फिर मसला होना है। ऊपर से तू बता भी रहा है कि यार उसकी तगड़ी सामी है थोड़ी सी। हाँ वो तो है, लेकिन आपकी भी काफ़ी यानी कि तल्लुकात है ना। अबे तल्लुकात थे भाई, वो जब वो था अपना यहाँ का चीफ था तब मैं था तगड़ा, अब नहीं हूँ मैं। अब नया चीफ आ गया, उससे कोई मुलाकात नहीं की मैंने। लेकिन माइकल भाई जाके कर लेना एक दफ़ा मुलाकात आप, हैं एक दफ़ा मैं कहता हूँ वो जो चीफ है आर्मी चीफ जो नए बने उनसे मुलाकात कर लेना आप एक दफ़ा जाके। अबे भाई फिर उनका वही मसला होना है कि इतना कमीशन हमारा रख लो, ये कर लो वो कर लो। तुझे नहीं पता काले इन बड़े लोगों का यार, ये हर चीज़ में कमीशन रखते हैं। अच्छा हाँ जी, ये अभी मैं जाऊँगा इससे भी मिलूँगा, इसने भी यही हरकतें करनी है। अभी मेरे पास पैसा कोई नहीं है इतना, ठीक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि ये भी पैसे खाएगा। जारी बात है इसने कहना है भाई ठीक है शोरूम चला रहा है, ये गाड़ियाँ इतनी आएंगी, ये कर वो कर। लेकिन माइकल भाई फिर भी यार एक दफ़ा जाके मिल लेना था आपने यार, किसी दिन ना मैं तुझे साथ लेकर जाऊंगा। अच्छा यानी कि ये कमीशन लेते हैं ये? हाँ हाँ, लेकिन माइकल भाई ये तो आर्मी चीफ है, कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कमीशन खाने की क्या ज़रूरत है उनको। अबे भाई तुझे नहीं पता भाई, इनको दिखाना भी पड़ता ना कि ये बहुत कर रहे हैं। तुझे नहीं पता यार इन बड़े लोगों का, यार मेरा उठना बैठना है ना इन लोगों के साथ। अच्छा सही नहीं होते, अबे हर बात पे कमीशन, हर बात पे कमीशन ले रहे होते हैं ये। अभी मैं अगर गया ना इसके पास, इसने मुझसे इतना कमीशन लेने, इसने कहा मैं तुझे गाड़ियाँ देता हूँ इलीगल, ठीक है उसे सेल करो जैसे वो पिछले वाले ने किया था। लेकिन माइकल भाई हर बंदा तो ऐसा नहीं होता ना, कोई अच्छा बंदा भी निकल आता है। हाँ वैसे है तू बात तो ठीक कर रहा है, चलो यार अफ्तारी करवाऊंगा ना मैं तो, फिर उसे आर्मी चीफ को मैं इनवाइट करूंगा। हाँ माइकल भाई लाजमी लाजमी यार अफ्तारी पे बुलाएं उसे, फिर इसी बहाने हमारे भी तल्लुकात हो जाएंगे ना। तो ये छोटे मोटे मसले जो चाह रहे हैं ये तो फिर भाई ऐसे चुटके में सॉल्व हो जाएंगे। हाँ ये तो ठीक कर रहा है, लेकिन यार उसके भी अपना तल्लुकात हैं उस बंदे के भी। हाँ वैसे बात तो आप ठीक कर रहे हैं, उसके भी काफ़ी अच्छे खासे तल्लुकात हैं। चलो यार अब किसी तरह ये रमज़ान निकलता है उसके बाद कोई सीन करते हैं, कोई जुगाड़ करते हैं, क्योंकि यार इस तरह तो मसला और ही बढ़ना है। और इस छोटे से वर्कशॉप के ऊपर हम अंसार पूरा मैं नहीं हो सकता, पता नहीं जिमी क्या खर्चा करवाई जा रहा है मेरे उसके ऊपर। लेकिन माइकल भाई वो वर्कशॉप अच्छा चल रहा है? हाँ फिलहाल की घड़ी तो अच्छा चल रहा है यार। लेकिन माइकल भाई आप मानिए या ना माने, वर्कशॉप बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि ये सिटी के बिल्कुल दरमियान करके है। हाँ वैसे बात तो ठीक कर रहा है, सिटी के बिल्कुल दरमियान में करके ही है, बाहर करके नहीं है। जहाँ पर हमने लिया हुआ था ना वहाँ पर आपको तो पता ही है, आइडिया तो है ही सही अच्छा कि वहाँ पर क्या सीन था। हाँ वहाँ पर कस्टमर वगैरह यार इतने नहीं आते थे, इधर ये एक थोड़े बहुत कस्टमर तो आ रहे ना। हाँ इधर ज़्यादातर वो कस्टमर आ रहे मॉडिफाई कराने वाले, गाड़ियाँ मॉडिफाई कर दो। हाँ यार लेकिन काले कब तक हम यार गाड़ियाँ मॉडिफाई करते रहेंगे ना, ये भी तू देखना। हाँ माइकल भाई ये तो अब बात ठीक कर रहे हैं, निकाल ले माइकल भाई। अबे इशारा बंद है भाई, फिर चलान ठुकवाएगा तू। हो अच्छा 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 चले ठीक है, मैंने समझा कि खुल गया है, अभी खुलता तो फिर जाते हैं कुछ ना कुछ करते हैं यार। फिर या तो इसी को बढ़ा लेते हैं, क्या मतलब माइकल भाई यार इसी को मैं कहता हूँ एक्सटेंड कर लेते हैं वर्कशॉप को। हाँ वैसे बात तो आप ठीक कर रहे हैं, इसी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। माइकल भाई निकाल लें, हाँ खुल गया शराब। बात तो करते हैं यार, कुछ सीन करते हैं भाई। ये डाला कहाँ पर गया है, कौन सा? अबे वो बड़ा डाला नहीं खड़ा था, मेरे ख्याल से अंदर कोई काटा होगा वो। अच्छा चलो यार इसको, यार ये बड़ा ख़तरा रहता है इधर ना, गाड़ियाँ बड़ी गुजरती हैं यार, और मुझे बहुत डर लगा रहता है कोई गाड़ी यार आगे ना हाईवे से उतर के ऊपर आगे ना भाई काम ख़राब हो जाना है। हाँ वैसे माइकल भाई बात तो आप ठीक कह रहे हैं, कुछ भी हो सकता है इधर तो। हाँ वही देखिए पीछे सही जा रही है ना। जी माइकल भाई आने दे बिल्कुल बस। एक तो यार जगह बहुत कम है यार, इस पागल के बच्चे ने पता नहीं इधर क्यों ले लिया, कोई खुली जगह पर ले लेता ना तो भी ठीक होना था सीन। हाँ जगह थोड़ी सी मसला है माइकल भाई, लेकिन चलें काम हमारा चल रहा है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, बस हमारा भाई इसी में काम चल रहा है। हाँ दरवाज़ा बंद कर दे काली, क्यों खड़ा है? एक सेकंड यार मैं वो दरवाज़ा कर ही रहा था बंद, यार ये दरवाज़ा क्यों खुला रहता है? भाई जिमी को कुछ ना कहिएगा यार। अच्छा अच्छा कुछ नहीं कहता। अबे ये क्या कर रहा है, गाड़ी के ऊपर चढ़ाया उसने, गाड़ियाँ बाहर क्यों उसने लगा दी हैं पता नहीं। माइकल भाई दोनों गाड़ियाँ इसकी बाहर खड़ी हैं, यार ये इसने रेडी कर दी। वाह यार यार ये अपना जफर भी सही काम करने लग गया है। हाँ माइकल भाई माशाल्लाह से अच्छा काम कर रहा है ये लड़का, मेहनती हो गया है। अबे यार इस गाड़ी को, अबे जफर क्या कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम। अबे जफर क्या कर रहा है? हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम माइकल भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या कर रहा है गाड़ी को? हाँ माइकल भाई वो रैप करने और थोड़ा सा इधर ना टुक वगैरह लगा रहा हूँ। अबे देखी भाई पूरा फ्रेम ना ख़राब कर दी। अबे नहीं रे काले फ्रेम नहीं ख़राब कर रहा, इधर से वो लगाना था इसका ना वो टेंट थोड़ा सा मसला था,
हाँ हाँ यार इधर थोड़ा सा इशू था वो। ठीक है जा रहा है, सही लड़का जा रहा है। वाह यार सही है यार, लड़का समझदार होता जा रहा दिन ब दिन। हाँ काले तू जा नहीं रहा उधर, कहाँ पर माइकल भाई? अबे उधर ही उनके पास से जा यार शोरूम पे, उधर रहा कर यार, मुझे अपडेट देता रहा कर उधर की। माइकल भाई अभी फिलहाल गाड़ियाँ इधर भी आ रही हैं, तो जिमी ने कहा था कि इधर भी थोड़ा टाइम दिया करो। अच्छा यार इसका, यार इसको अभी कस्टमर का करवाओ यार, इसका ये डाला इतनी देर का खड़ा हुआ है मर्सिडीज़ का, इसको निकालो यार जो भी इसका है काम। माइकल भाई इसका वो यार ग्रिल नहीं मिल रही, अबे मंगवा लेना यार किसी चाचे चूचे को कह दे यार, जो वो जाफिर का चाचा यार वो कहीं से बंदोबस्त करके दे देगा। हाँ उससे कहता हूँ वो कहीं से निकाल के दे। चलो मैं शाम को ना उससे रब्ता करता हूँ यार, उससे रब्ता करना, उसे कहीं से कहीं निकलवा काम ख़त्म करवा यार। जी जी हो जाएगा हो जाएगा, आपको गाड़ी सारी मिल जाएंगी। जी जी अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम, इनसे मिले ये मेरे वालिद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुने? सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमें कुछ गाड़ियाँ चाहिए थी। जी जी फरमाएं, कौन सी चाहिए थी? सर हमने एक्चुअली अपना टैक्सी का बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो टैक्सी के लिए हमें कुछ गाड़ियाँ चाहिए थी, आप रिकमेंड कर दें। वैसे अपना जिम्मी भाई ने तो हमें कुछ गाड़ियाँ रिकमेंड की हैं। कौन सी जिम्मी की है तूने? अब पापा मैंने इसे वो कहा है कि अपना वो ले लें प्रियस ले लें, हाइब्रिड गाड़ी है, पेट्रोल का खर्चा भी कम होगा। और वैसे नहीं नहीं यार वो तो ठीक है गाड़ी, लेकिन वो कॉस्टली इनको काफ़ी ज़्यादा पड़ने। बजट वैसे आपका क्या है? बजट तो बजट बस नॉर्मल ही है, अभी स्टार्टअप ही है। अगर स्टार्टअप है तो आप इस तरह करें कि वैगनार ले लें। वैगनार ले लें? हाँ हाँ वैगनार वगैरह ले लें। ठीक है स्टार्टअप है तो गाड़ी भी आपको अच्छे रेट पे मिल जाएगी, और बाकी आप देख लें। लेकिन वो छोटी गाड़ी नहीं हो जानी? हाँ गाड़ी तो थोड़ी छोटी हो जानी है, आप इस तरह करके तकरीबन कितनी चाहिए आपको? वैसे हमें चाहिए तो 10 गाड़ियाँ थी, क्योंकि टैक्सी चलानी है ना। आप चले इस तरह करें 5 गाड़ियाँ ले लें वैगनार, ठीक है, और पहले स्टार्टअप उससे ले लें 5 गाड़ियों से, उसके बाद आप फिर अपना बड़ी गाड़ियों पे आ जाएं। हाँ वैसे ये पापा आपने ये मशवरा ठीक दिया, पहले 5 गाड़ी ले लो आप, वो वैगनार ले लें, और उसके बाद फिर आप अपना ले लीजिएगा वो क्या कहते हैं प्रियस ले लें आप हाइब्रिड गाड़ी। हाँ ये तो ठीक है मामा फिर ले लें। चलें ठीक है अपना, हम कितना एडवांस दे के जाएँ आपको? एडवांस आप दे दें तकरीबन 1 लाख तक दे दिए, जमा करवा जाएँ हम, फिर आपको कल तक गाड़ियों को बंदोबस्त करके दे देते हैं। चलिए ठीक है हम फिर अपना 1 लाख करवा देते हैं, बाकी पेमेंट का हम शाम तक दे दें, कोई मसला तो नहीं कल शाम तक? नहीं 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 कोई मसला नहीं है, अगर आपका कन्फर्म है तो फिर हमें बता दें। नहीं नहीं कन्फर्म ही है आप कर दें मामा, 1 लाख रुपये निकाल दें। चलो जी मैं इनसे ले लो, और ठीक है ना। अजी जी पापा मैं ले लेता हूँ। अबे माइकल भाई क्या बात हो रही है, कोई बड़ी पार्टी आ रही है? हाँ हाँ यार वो इधर आ यार, आवाज़ें जाती हैं यार। यार काले अपना ना वो गाड़ी लेने आए हैं, 5 गाड़ियाँ वैगनार लेने आए हैं। है वैगनार? हाँ हाँ वो कोई टैक्सी वगैरह चलानी है, और 5 गाड़ियाँ उनको प्रियस भी चाहिए। अरे वाह माइकल भाई दिहाड़ी तो सही लगेगी। अबे नहीं नहीं इतनी ज़्यादा दिहाड़ी नहीं लगानी, तो इस तरह करके 5 वैगनार का ना बंदोबस्त कहीं से कर। चले ठीक है माइकल भाई कोई मसला नहीं, अभी हो जाएगा। न्यू चाहिए ना? हाँ हाँ ब्रांड न्यू चाहिए, ठीक है कोई मसले मसाइल वाली ना हो, कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ चाहिए। देख ले अगर कोई नॉर्मल यूज़ में मिलती हैं, अच्छी चली हुई हैं, यानी कि साफ कंडीशन में है वो ले ले। चलें ठीक हो गया मैं कोई बंदोबस्त करता हूँ। हाँ जल्दी से बंदोबस्त कर, तब तक मैं ना नमाज वगैरह पढ़ लूँ। चलें ठीक है माइकल भाई, वैसे मैंने भी पढ़नी थी नमाज। हाँ आ जा वजू कर ले तू भी। चलो भाई ये तो हो गया गाड़ी कंप्लीट। अबे यार ये किसकी कॉल आ रही है? अबे यार उस कस्टमर की कॉल आती जा रही है, इसको मैं कॉल कर लूँ पहले, इसको गाड़ी का हुआ है। हेलो अरे तेरा बाप बात कर रहा है, कहाँ पर रह गया तू? हैं कस्टमर की कॉलें आई जा रही है मुझे, अबे जल्दी आ जाना यार। हाँ जी भाई यार भाई किसको चलाई जा रहा है? और काले यार कल्टस इधर से GLI मंगवाई थी इधर से। हैं GLI? हाँ हाँ यार GLI मंगवाई थी गाड़ी। अच्छा तो क्या वो आ रहे हैं? हाँ गया तो रहा पेट्रोल डलवा रहा हूँ। हैं किससे मंगवाई है? अबे वही छोरा बंदा यार तेरा ही। अबे पागल उससे क्यों मंगवा लिए यार, उसको फिर अफ्तारी करवानी पड़ जाएगी। अबे कोई नहीं करवा देते हैं यार, करवा देते हैं अफ्तारी भी। चलो यार ये काम ठीक है भाई, मैं इधर पेट्रोल डलवा रहा हूँ, इधर मेरी कुत्ता वाली करी जा रहा है यार, मर्जी है इसकी भी यार। अब बस यार अफ्तारी का भी टाइम हो गया, चलो यार। अरे ये तो बिल्कुल पास करके ही था इनका वर्कशॉप, ये सामने ही था। माशाल्लाह गाड़ियों की रोड कहीं लगाई हुई है, अल्लाह बरकत दें यार इनको और दें। भाई शैतान तो ना शैतान बाइक खड़े।
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ओए वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ पर रह गया था? अरे यार आप तक गुस्सा ही कर गया यार, देख ले यार काले भाई, काले भाई आप बड़े चिट्टे हो गए, खाइए थे कौन कौन सी क्रीमें लगा रहे हैं? अबे भाई मैं कोई क्रीमें शिमें नहीं लगा रहा भाई। अबे काला भाई वो फुल क्रीमें शिमें आजकल भाई एसी वाले रूम में होता है ना। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, तरक्की हो गई। पहले हमारे साथ घुमा करते थे, गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह निकालते थे। अबे बेवकूफ ऐसा बोले। अबे ऐसा बोल भाई, वर्कशॉप खड़ा है तू, यार पागल हो गया क्या? अरे क्या आ गया भाई, तुम दोनों शरीफ कम के हो गए हैं, शरीफ हो गए अब। अबे भाई वर्कशॉप है भाई, कुछ आराम से बात कर ले। अबे यार इसे ले जा यार इधर, इसने हमें बंद बोल देना इधर कोई। अबे आ जा इधर आ, तुझे अफ्तारी करवाता हूँ। आ जा इधर आ, तुझे अफ्तारी करवाता हूँ भाई। अजी बंदा तू बमा। अबे क्या आगे गुस्सा ही कर गए? अबे भाई वर्कशॉप है यार, कुछ शर्म लिहाज कर ले भाई। अच्छा कहाँ लेके जा रहे हो? अबे गाड़ी को साफ करवाने लेके जा रहा हूँ यार, और कहाँ लेके जा रहा हूँ? मैं कुछ और बोलूँगा फिर तेरी हट जानी है। अच्छा 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 यार, मुझे बता देते मैं वॉश भी करवा लेता। हाँ बेटा तूने जो कल्टी मारनी थी उसके पैसे भाई मेरे पास नहीं थे ना। अरे यार तूने ऐसे ही कर दिया यार, चलो कोई बात नहीं है, अब तारी मुझे करवा दी। बेटा मैंने पिकौड़े दही नहीं खाने, मैं पहले ही बता रहा हूँ। हाँ हाँ नहीं खिलाता। तो यार ये तो उसी बंदे की कॉल आ रही है, मेरे कहा पार्ट्स ने ढूंढ लिए होंगे प्रियस के। अबे सही है भाई। हाँ भाई का मजा। अबे काले तो ये सब लोग कहाँ गए? काले ये बाहर खड़ा है यार, इधर ना वर्कशॉप का तू ध्यान रखी, मैं एक मिनट होके आया। जी जिमी भाई ठीक है, आप होके आ जाएं। और काले हाँ क्यों चले जा रहे हैं? और यार काले यार शॉट आप मेरे हैं क्यों? और यार मैंने गाड़ी मॉडिफाई करवानी थी यार, आजा। हैं अब कौन सी गाड़ी मॉडिफाई करवाई जा रहा है तू? पैसा लगता तेरे पास बहुत आ रहा है आजकल। फिर नहीं भाई इतना पैसा कोई नहीं आ रहा, आजा यार इधर बैनी के पास जाना यार, उधर कुछ पार्ट्स वगैरह मंगाए थे। हैं बैनी के पास? खैरियत? अबे तूने तो भेजा था ना यार वो। अच्छा प्रियस को मॉडिफाई करवाना है? अबे हाँ भाई प्रियस को फुल एक्सट्रीम वाली मॉडिफाई करवाना है मैंने, आ जा। अबे बैठ गया भाई। और वर्कशॉप पे कोई है? हाँ वो उसे मैंने कह दिया, वो खड़ा नहीं है सफाई वाला। अच्छा मैं समझ रहा वो मैकेनिक है। अबे नहीं मैकेनिक नहीं, सफाई वाला यार इसको ना एक्सट्रीम लेवल का मैंने मॉडिफाई करके ना इसकी मार्केटिंग करनी है मैंने। हैं क्या मतलब? क्या मतलब ये कि इसको मैं मॉडिफाई करवाऊँगा, फिर इस गाड़ी को मैं बाहर खड़ा कर दूँगा, ठीक है ना? फिर लोग आएंगे, घुसेंगे, देखेंगे यार ये मॉडिफाई वाली गाड़ी है, मेहरान भी मॉडिफाई खड़ी है ना एक, ये भी मॉडिफाई मिलेगी, फिर लोग हमें कहेंगे। हाँ यार वैसे आइडिया तो जिमी काफ़ी अच्छा है तेरा यार, दिमाग तेरा बड़ा चलने लग गया आजकल भाई। देख रहे काले यार अभी बस अपना बिजनेस स्टार्ट किया है ना। अबे अपना बिजनेस किया तूने, अब मैं कुछ और बोलूँगा, माइकल भाई के अल लगवा दिए उधर। बेटा अब उधर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखा हुआ है सारा कुछ। क्या लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है कि भाई वो कुछ चेंजिंग वगैरह भी करवा सकता है शोरूम में। अच्छा वो क्या चेंजिंग करवा रहा है? कुछ नहीं, एक ऊपर फ्लोर बना रहा था, अभी वो मसला शॉर्ट आउट करवा तो दिया, लेकिन फिर भी वो माइकल भाई तो फुल तप्पे हुए हैं भाई तेरे ऊपर, मैंने अभी मिनटले की है। अच्छा यार फिर तो मसला लंबा ही हो गया। बेटा बच गया तो, तेरी किस्मत अच्छी है तो हर दफ़ा बच जाता है। अबे यार काले तू ना आउट, मैं तो मर जाना था। बेटा तूने कब का मर जाना था? तू बाप ने तेरे ने वैसे तुझे गोली मार देनी थी। अबे यार काले ऐसे तो ना बोलो ना बेटा, कोई देख लिया कर जब। अबे आराम से चला ले जिमी यार। अबे यार इस पागल के बच्चे ने गाड़ी ठोक दी, मैं क्या कहूँ इसको। अबे चल अब जाने दे, वैसे तूने मॉडिफाई करवाना तो है। अबे फिर भी यार मैं बम्पर इसका रखना था यार, सारा कलर निकल आया इसका। चल कोई नहीं, तू बेटा ध्यान से गाड़ी नहीं चलाना, ध्यान सामने आँखें खोल के चला गाड़ी को। हाँ यार चला रहा हूँ ध्यान से चलाइए अब। हमें ध्यान से चला रहा हूँ यार। अबे ये भैनी कहाँ पर चला गया यार? अबे पता नहीं कहाँ निकल गया है यार, इसने पता नहीं इधर ही बुलाया था मुझे। अबे तुझे पता है यार तू जिमी, तू हटते ऐसी ना कर, मुझे गुस्सा आ रहा है। अबे अच्छा आई थिंक इधर ही उसने बुलाया उन्हें, इधर ही कह रहा था वेट करो। अबे कौन चला गया यार ये? बेटा अगर तूने भाई को यकी की ना जिमी, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। अबे नहीं यार कसम से यार, मेरा रोजा मैं झूठ क्यों बोलूंगा यार, उसने मुझे इधर ही बुलाया। चले यार पार्ट्स वगैरह तो आ गए। अरे यार कॉल आ रही जिमी की, लगता है यार तो आ गए, लगता है पार्ट्स वगैरह तो मंगा लिए, इधर ही खोल कर उनको फिट करके दे देने, इसके अंदर डाल के ना गाड़ी को। वो यार बैनी के सामने लगता है, वो सोच रहे होंगे कि बैनी के सामने है, उसके अंदर जाना है, लेकिन उसे नहीं बताया ना कि इधर ही यार
और लेकिन उसे बता दूंगा भाई पार्ट्स इलीगल हैं, बस थोड़े से किसी गाड़ी से उतार तोड़ के यार इधर फिट करने। कहाँ खड़े फिट तो ही खड़े पे यार, तू जिमी ऐसे ही बर्बादता रहता है भाई। काल की टू है उसे मैंने अभी आज तक पे, ये तो नहीं है यही। अबे यही अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। हैं उस्ताद जी, सही है भाई। ये कौन है? मैं काला। ओ अच्छा, काले। हाँ यार याद ही नहीं रहते यार। अरे मर्जी ये है, आजकल हमें ही भूल रहे हो। नहीं, ये वाली गाड़ी है? हाँ जी उस्ताद जी, यही गाड़ी है। इसको थोड़ा ना एक्सट्रीम लेवल वाला मॉडिफाई कर दूँ। अरे ये क्या करिए बेचारे, गाड़ी को ठोक दे तूने। हाँ ये रास्ते में वो एक पागल ने अपना ठोकरी थी। हाँ जी बहुत ही इंतहाई किस्म का पागल था वो। टेंशन न लो आ जाओ। अच्छा मैं जो तुम लोगों को पार्ट्स देने लगा ना, किसी गाड़ी से उतारे हुए हैं थोड़े से, ठीक है ना? क्या मतलब? अरे यार वो समझा करो ना पार्ट्स। अच्छा वही काम, पैसा स्टार्ट कर दिया उस्ताद जी तूने भी। अरे नहीं यार यार उस्ताद जी कहना बंद कर दो। अरे नहीं आप तो हमारे भी उस्ताद हैं भाई, जिमी के उस्ताद हैं तो हमारे भी उस्ताद हैं। अरे नहीं, अरे ये काला जान बोल के छुड़ा रहा है। उस्ताद जी इधर कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे इधर ही तो पार्ट्स चेंज करने, कमाल तुम लोग देखना अभी इस ट्रक के अंदर सारे पार्ट्स। उस्ताद जी इसके अंदर है? हाँ इसके अंदर है। अच्छा कितनी देर लगेगी? बस तकरीबन आधा घंटा लगेगा, तब तक आप हो या कुछ अगर हवाखोरी करनी है तो उधर पास करके हो या पार्क शार्क से। चलें ठीक है चलो हम फिर हो जाते, तब तक आप करें। यार काले ऐसे टू लेके चला गया यार, इतना रास्ता ना यार मेरे पाँव में डर होने लग गए। चलो कोई नहीं वॉक होगी ना तेरी यार। अबे वॉक काई चीज़ की वॉक होगी भाई, मेरी बस टू ने करवा दी है। अब दुआ करके उस्ताद जी ने यार मिशकाले इतनी उड़ी हुई हैं, 10 मिशकाले आई हुई हैं। अरे यार देखिए उसने अफतारी करने जाना हो। अच्छा हम करवाएंगे? हाँ भाई हम ही करवाएंगे। तो लग रहा है कहीं उस्ताद जी बेहोश ही ना पड़े हों। अबे नहीं अल्लाह रहम करे यार मैं देख रहा हूँ कि इसने बॉडी किट कौन सी लगानी है। इसलिए मैं ये चीज़ देखनी है मैंने। अबे तुझसे बड़ा मॉडिफाई है ये। अच्छा चलो देखो काले। अरे जिमी ये क्या कर दिया भाई? यार उस्ताद जी क्या कर दिया, क्या बना दिया? अरे तुमने कहाँ पर रह गया था यार, मैं मिसकाले कर के गाड़ी देखो गाड़ी। अरे उस्ताद जी क्या गाड़ी बना दी यार, काले चेक कर। अबे वाह माशाल्लाह। अबे उस्ताद जी अखीर करके यार। अरे देखो गाड़ी देखो भाई साहब, इंजन चेक करो भाई साहब इसके अंदर। अबे कहीं निशान GTR का नहीं लगा दिया? अरे नहीं भाई चेक कर, इंजन चेक कर बस। अबे यार काले भाई साहब पे यार मैं अभी क्या बोलूँ भाई, हमारे भी उस्ताद है आज से। तो उस्ताद जी ये डोर आपने बहुत ज़बरदस्त किया है, ऐसी मॉडिफिकेशन चाहता था मैं यार। एंड कर गया एंड। जिमी यार मुझे जरा दो। जी जी उस्ताद जी आप जाएं। पे यार जिमी यार इस तरह कमाल ही कर दी यार। अबे मैं खुद हैरान हो गया भाई, चक्कर भाई पूरी की पूरी गाड़ी का लुक ही चेंज हो गया है यार। लाइटिंग बड़ी ज़बरदस्त। अभी पैसे नहीं देने थे? हैं पैसे? हाँ वो तो देने हैं भाई। यार जिमी पूरी की गाड़ी चेंज हो गई यार, लैम्बो डोर लगवा दिए हैं तूने कहा था? भाई नहीं मैंने बस उनको यही कहा था कि मुझे ना एंड वाली गाड़ी चाहिए जो किसी के पास ना हो। भाई यार जिमी आखिर कर गया यार, ये तो मेरे भी साथ निकले यार। गाड़ी का पूरा लुक ही चेंज कर दिया, अंदर से भी काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। भाई मानता है फिर से उस्ताद जी? भाई मान गया। तो ऐसे नहीं उस्ताद जी बोल रहा था भाई, ऐसे ही हमारे भी उस्ताद जी हैं। और पूरी गाड़ी का लुक ही चेंज कर दिया इसने बंदे ने तो यार, और लाइटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त डाल दी है। जिमी रेस दे, मैं वही रेन लगाऊं भाई। और मैं लोगों को चेक कर भाई साहब, शायद लोग इधर ही देख रहे हैं भाई गाड़ी ऐसे उसने बना दी प्रीवियस को यार। भाई साउंड अलग लेवल का साउंड लग रहा है भाई, प्रीवियस नहीं लग रही भाई, ये खुद तो डर्जन कार ही लग रही है। अबे चलो बड़ी ना छोड़ा